हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम तीन कंपोनेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर उन तीनों वीडियोज़ को देखिए। आज जो हम बात करेंगे वो फोर्थ कॉम्पोनेंट की है, जो है बायोस्फेयर। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द लाइफ जोन ऑफ अर्थ एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जो बायोस्फेयर है इसको हम लाइफ जोन ऑफ अर्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब बायोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। बाकी के जो हमने तीन कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ा, वो तीनों के तीनों नॉन लिविंग है। वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एक ही स्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। इट रेफर्स टू ऑल दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट। बायोस्फेयर में वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। बायोस्फेयर हम उस स्फेयर को बोलते हैं जिस स्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है। द ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग द बायोस्फेयर आर मोस्टली फाउंड इन रिलेटिवली नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। यहाँ इस लाइन में ये बोल रहा है कि जो हमारा बायोस्फीयर है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर तीनों बाकी के जो तीन कंपोनेंट हैं उसके साथ इस जोन की थोड़ी इंट्रैक्शन हो। जैसे कि वो जोन जहाँ पर एटमॉस्फेयर हो, लिथोस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर हो, उसी जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पर तीनों जोन की प्रेजेंस हो। डायग्राम से देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर तीनों जोन है, एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है, और इन तीनों जोन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो इस जोन में आता है, जिस जोन का नाम हमने बायोस्फेयर दिया है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर बायोस्फेयर में लाइफ है तो लाइफ किसकी वजह से है? लाइफ होने के लिए हमें हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और ज़मीन भी चाहिए। तो तीनों के तीनों जोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसा जोन बनाने के लिए जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये जो नैरो जोन बन रहा है, जिसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं, ये नैरो जोन क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर बाकी के तीन भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई थी। द ऑर्गेनिज्म कॉम्प्राइजिंग बायोस्फेयर आर मोस्टली फाउंड इन रिलेटिवली नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। जहाँ पर ये तीनों जोन हैं वहीं पर एक जोन बनेगा जिसको हम बायोस्फेयर बोलेंगे और जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करेगी। द शैलो एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स जोन लाइंग एट और क्लोज टू द इंटरफेस बिटवीन थ्री कॉम्पोनेंट, दैट इज एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इज कॉल्ड बायोस्फेयर। वही चीज़ है कि जहाँ ये तीनों कॉम्पोनेंट होंगे, जहाँ ये तीनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वहीं पर बायोस्फेयर भी पाया जाएगा। बायोस्फीयर हमेशा इन तीनों के जोन की वजह से ही होगा। अगर ये तीनों जोन नहीं है, ये तीनों जोन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो फोर्थ जोन जिसको हम बायोस्फीयर बोल रहे हैं, जिसको हम लाइफ जोन बोल रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज, ये डायग्राम देख लिया हमने। बायोस्फीयर कंटेन ऑल लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर में सभी के सभी लिविंग थिंग्स आते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, अभी तक जो अर्थ है वो एक रिच डाइवर्सिटी है, मतलब हमारी अर्थ पे बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ मिलती हैं, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल की हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो। अभी तक जितनी स्पीशीज़ हम ढूंढ पाए हैं वो है 1.80 मिलियन। एक्चुअल में इससे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, बट अभी तक हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। जिन स्पीशीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिन स्पीशीज़ को अभी तक हम ढूंढ पाए हैं, वो सिर्फ 1.80 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्री बेसिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। तीन मेन टाइप की जो ऑर्गेनिज़म की कैटेगरीज हैं जो बायोस्फीयर में पाई जाती हैं, वो हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। यही मेन है जो तीनों पाई जाती हैं। इन्हीं को डिटेल में देख लेते हैं। पहले ये डायग्राम है, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो कौन कौन से बताए हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। यहाँ सनफ्लावर है, ये प्लांट्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर में क्या आ जाते हैं? कंज्यूमर में आ जाते हैं लायन है, देन ऑक्टोपस है, काउ, डॉग, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं, फंगस आ जाती है, वॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, जो खाने को डिकम्पोज करती हैं। इन्हीं को डिटेल में देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हीं सबको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं।
इनऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके. इनऑर्गेनिक मैटर में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर आ गया और सनलाइट, यही सब लेते हैं ना प्लांट्स खाना बनाने के लिए. इनऑर्गेनिक में आ जाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके या वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बना लेता है प्लांट. तो ग्लूकोज जो है वो एक ऑर्गेनिक में आ जाएगा या कार्बोहाइड्रेट है वो ऑर्गेनिक में आ जाएगा, बट इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या होते हैं, वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं. क्योंकि कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो ये क्या करते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स. देन आ जाते हैं नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स. दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इंटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट विच गो बैक टू सॉइल आर नोन एज डिकम्पोजर्स. वो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और एनिमल पर फीड करते हैं और जितना भी उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है उन सबको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट को, और क्या करते हैं, इन्हीं इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट को वापस सॉइल में भेज देते हैं. जिस तरीके से एक प्लांट है वो क्या करता है, वो सॉइल से इनऑर्गेनिक मैटर ही लेता है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कुछ भी जितना भी सॉइल में इनऑर्गेनिक मैटर है ना वो सबको ले लेता है. ठीक है, प्लांट ले लेता है, उसके बाद प्लांट क्या करता है, उससे ही एक ऑर्गेनिक फूड बनाता है जो कंज्यूमर्स को भी देता है और ख़ुद भी खाता है. और बाद में क्या होता है, जब कोई प्लांट या कंज्यूमर मर जाता है तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स उन्हीं जो ऑर्गेनिक मैटर को है उन्हीं को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं और वापस सॉइल को देते देते हैं. बाद में क्या करता है, प्लांट उसी सॉइल में से वही वाला इनऑर्गेनिक वापस लेता है. इस तरीके से साइकिल चलता है. तो डिकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लाइफ को चलाने के लिए. ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो इनऑर्गेनिक मैटर वापस नहीं बनेगा. इनऑर्गेनिक मैटर वापस नहीं बनेगा तो प्लांट क्या लेंगे, एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब में. बायोस्फीयर इज़ अ जॉइंट इकोसिस्टम मेड अप ऑफ वेरियस स्पीशीज अलॉन्ग विद देयर इन्वायरमेंट. जो बायोस्फीयर है वो एक बहुत बड़ा सा इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ. जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आगे पीछे एटमॉस्फेयर में या फिर अपने लैंड के साथ इंटरेक्ट करता है, उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है, जिस तरीके से इकोसिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, जैसे टेरिशियल या एक्वेटिक, उसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो लैंड पर हो या फिर वाटर पर हो, वो अपने आसपास के जितने भी नॉन लिविंग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो बायोस्फीयर भी एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की तरह काम करता है जहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ना था कि बायोस्फीयर क्या होता है. मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, आई होप आपको समझ आई हो. अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें. थैंक यू.